हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखे कि पूरा फुल में फुल अंक मिले। तो बस आपको ये ट्रिक जाना जरूरी है। ये ट्रिक नहीं जानते तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे निबंध लिखना है ये हम बताएंगे। तो बस आपको जो वीडियो है उसको एकदम ध्यान से देखते रहिए। देखिए, कोई भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है तो सबसे पहले हेडिंग बनाना जरूरी है। सबसे पहले हेडिंग, और हेडिंग बना के मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा प्रदूषण की समस्या पर निबंध लिखी है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाना है। उस क्वेश्चन का आपको हेडिंग बनाना है जो क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के बाद आपको रूपरेखा, रूपरेखा क्या होता है ये मान लीजिए प्रदूषण की समस्या पर हमको निबंध लिखना है, जो रूपरेखा है ना ये आपको लिखना पड़ेगा। बिना रूपरेखा लिख के आपको नंबर फुल में फुल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना पड़ेगा। और देखिए, तो निबंध लिखना है तो हेडिंग बनाना जरूरी है। जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की हानियां, प्रदूषण की समस्या और समाधान, और लास्ट में उपसंहार। तो 2-4-6 हेडिंग आपको बना लेना है और इसी हेडिंग को डालकर इसी हेडिंग का जो भी उत्तर है आपको लिखना है। कैसे वो बता रहे हैं आपको। और सबसे पहले ये लिखने का तरीका है, ये देखिए कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि कितना पेज लिखना है वो भी बताएंगे आपको। तो प्रस्तावना हेडिंग में अपनी मन की बात लिखा जाता है। जो आपको निबंध दिया गया है वो निबंध पे आपकी क्या राय है वो आपको लिखा जाता है प्रस्तावना में। जैसे लिखा है, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंस कर स्वयं भी मशीन का ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है। कहने का मतलब है कि जब मशीन आ गया है तो मानव क्या है, एक निर्जीव पुर्जा बन गया है, कहने का मतलब है। और देखिए, जो पर्यावरण है उसका ध्यान नहीं रख रहा है और इसके कारण अब जो नई समस्या उत्पन्न हो गई है वो है प्रदूषण। आपको ऐसे बना के लिखना है। और इस समस्या का जो आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है, मतलब प्रदूषण की समस्या पर जो जितने भी देश हैं उनका जो है ना ध्यान केंद्रित है, किस पर, प्रदूषण पर। आपको लिखना है इस समस्या हमारे यह समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है क्या है, पर्यावरण को बचाने का है। तो अपने देहाती भाषा में अपने अंदाज में लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी लिखना है ना आपको, कोई भी लिखना है निबंध, तो अपने देहाती अंदाज में ही लिखा जाता है। ये नहीं कि जो पढ़े वही लिखना है सिंपल सेम, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, प्रदूषण का अर्थ में आपको क्या लिखना है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। इसमें लिखा जाता है कि अर्थ, प्रदूषण का अर्थ क्या है। जैसे लिखा है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, कहने का मतलब है संतुलित, जैसे सब चीज़ अस्त, पेड़ पौधे का रहना जरूरी है, जीव जंतु का, जल का, ये सब संतुलित रहना चाहिए, कम या अधिक मात्रा में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इसमें ही जीवन आपका संभव है। जैसे पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, कहने का अर्थ है जो हमारे पर्यावरण है जैसे पेड़ पौधा जो भी चीज़ है वो हमारा जो प्रकृति जैसे जल तालाब जो भी चीज़ें पर्यावरण में अंतर्गत आता है, इसका निर्माण किससे हुआ है, हम लोगों से ही नहीं हुआ है, प्राकृतिक द्वारा किया गया है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण को असंतुलित असंतुलित कर देते हैं, मतलब संतुलन बिगाड़ देते हैं और उसको दूषित कर देते हैं। जैसे फैक्ट्री आ गया, जो चीज़ हम लोग निर्माण किए, बाइक आ गया, वो क्या कर रहा है ना वातावरण को असंतुलित कर रहा है, और गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार की हानिकारक होता है। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ये किताबी भाषा में लिखा गया है, अपने देहाती भाषा में लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ के देहाती भाषा जो भी आए, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम है, ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, और सीबीएसई बोर्ड वाले भी ये लिख सकते हैं, जैसे लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना लिखने के बाद अब लिखना है अगला जो हेडिंग है वो क्या है। अगला हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। ये प्रदूषण के प्रकार में आपको लिखना है क्या कि प्रदूषण जो होता है ना वो 3 प्रकार के होता है। ये सीखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे हट के करना है, सबसे अलग करना है, इसीलिए आपसे बता रहे हैं कि ये नियम का पालन आप जरूर करें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखना है प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार में हेडिंग डालना है और उसके अंदर लिखना है वायु प्रदूषण हेडिंग बनाना है, जल प्रदूषण जो भी है, ध्वनि प्रदूषण जो भी हेडिंग है उसके अंदर बनाना है। और बनाने के बाद लिखना है वायु प्रदूषण में क्या, प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थित रहना आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि जो प्रत्येक जीव के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और ये वायुमंडल में ना एक निश्चित अनुपात में रहना जरूरी है। कहने का मतलब है एक लिमिट होता है कि इस लिमिट में ऑक्सीजन रहेगा तभी हमको ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये अनुपात में रहना जरूरी है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। कहने का ये अर्थ है कि जो भी हम लोग हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। तो इसे पेड़ पौधों की भी बचाना हमको जरूरी है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। तो आपको वायु प्रदूषण में इतना लिखना है। अपना देहाती अंदाज है यार, अपने देहाती अंदाज में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं किताबी भाषा का ही प्रयोग करें, ठीक है।
अब देखिए जल प्रदूषण, जल प्रदूषण आपको लिखना है, जल को जीवन कहा जाता है, ये तो देहाती भाषा हो गया। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधे का भी जीवन अस्तित्व मतलब अस्तित्व नहीं है। कहने का ये अर्थ है कि जल ही जीवन मतलब कहा जाता है जल को, और ये जल नहीं रहेगा ना तो जो भी जीव है ना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, चाहे पेड़ पौधे हैं, आप अपने देहाती भाषा में लिख सकते हैं। फिर भी बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिया जाता है, मतलब कहने का अर्थ है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें जो गंदे नाले आते हैं जो फैक्ट्रियों से, वो किस में मिला देते हैं, जल में, नदियों में मिला दिया जाता है, और कारखाने का सारा खराब जल वहाँ कर नदियों में मिला दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तो आपको इतना ही देहाती भाषा में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आगे कोई प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर समाप्त होने से के बाद यहाँ पर पीटीयू डालिएगा, अगले टर्म पर लिखना है उत्तर, तो सबसे पहले नीचे पीटीयू डालकर ये अगला सिरा से प्रश्न को स्टार्ट कीजिएगा, ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, चाहे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण लिखना है कि ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या बन गई, जैसे डीजे लोग बजाते हैं, बहुत बच्चे वहाँ पर जाते हैं इकट्ठे होते हैं, वो भी हो सकता है कि ध्वनि प्रदूषण का कारण, वो हम नहीं बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या हो गई है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे मोटर ट्रैक्टर, जैसे वैज्ञानिक प्रगति ने डीजे भी पैदा किया है, ट्रैक्टर जेट विमान कारखाना जो मिसाइल है, ये क्या करता है ना, ये लाउड स्पीकर का काम करता है, मतलब बहुत तेज आवाज़ करता है, और ये जो है ना ये संतुलन को बिगाड़ देता है, जैसे ध्वनि के जो संतुलन है उसको बिगाड़ देता है और प्रदूषण उत्पन्न कर देता है। अत्यधिक ध्वनि से मानसिक विकृति, क्रोध तथा चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक रोग समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे आप डीजे बजा रहे हैं वहाँ पर कोई भी गाय है वहाँ डीजे बजाएंगे तो वो चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाएगा, उसका मानसिक बिगड़ जाएगा, देखिएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है, कम आवाज़ में बजाना है, तो जैसे आप लिख सकते हैं इसमें, आप चाहे तो अपने देहाती अंदाज में लिख सकते हैं। अब रेडियो ध्वनि प्रदूषण है, रासायनिक प्रदूषण है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आप लिखिए चाहे ना लिखिए कोई बात, मतलब ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टॉपिक है, आप लिख सकते हैं। रेडियो प्रदूषण, रेडियो ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, आज के युग में वैज्ञानिक जो परीक्षण किया जैसे परमाणु परीक्षण किया जाता है, मिसाइल विस्फोट, ये सब क्या है, रेडियो ध्वनि प्रदूषण है। रासायनिक प्रदूषण जैसे कारखाने से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो क्या करते हैं ना, वो हमें सांस के द्वारा हमें परेशान मतलब दिक्कत होता है, जैसे खेत में नहीं जो दवा पड़ता है वो बनता है, तो वो रासायनिक प्रदूषण के मतलब अंतर्गत आता है। तो आपको इतना ही लिखना है जितना हम बता रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं लिखना है। ध्वनि या प्रदूषण की समस्या और उसकी हानियाँ क्या क्या है, आप इतना ये देखिए इसकी हानियाँ के सब चीज़ लिखना है, जैसे हानियाँ में क्या लिखना है आपको ध्यान से पढ़िएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या और जैसे औद्योगिकी ने विश्व में सम्मुख प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर पैदा कर दी, ये देहाती भाषा है, और कारखानों में धुएँ से विषैले कचड़े बहाव तथा जहरीली गैस रिसाव मतलब निकलना से आज मानव जीवन मतलब समस्याग्रस्त हो गया है। कहने का ये अर्थ है कि इसका जो समस्या है जैसे बढ़ती मोटर कार कारखाना मतलब जो भी विस्फोट जो भी चीज़ हो रहा है ना उससे हम क्या परेशान हैं, यही समस्या है। आप अपने बना के देखिए, समस्या में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये देहाती भाषा के अंदाजे में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और समस्या के समाधान में हम क्या लिखेंगे, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें जो भी कदम उठाना है, जो भी आपके मन में आ रहा है कदम, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि किताबी भाषा का ही प्रयोग करें, तो आप लिख नहीं सकते हैं। प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, जैसे कचरे को जल में नहीं बहाना चाहिए, थोड़ा लाउड स्पीकर मतलब कम करना चाहिए, आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, ये अपने देहाती अंदाज में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, जैसे ये समाधान आप नहीं लिख सकते, प्रदूषण की समस्या का समाधान अपने मन से लिख सकते हैं यार, जैसे लिखा है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना जरूरी है, दूसरी ओर पेड़ पौधा लगाना, कटाई करना पर रोक लगाना जरूरी है, कारखानों से जो निकलने वाले जो गंदगी है उसे पानी में बहाने से रोकना है, ये आप लिख सकते हैं देहाती अंदाज में, जैसे यहाँ पर समस्या का समाधान आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर वही लिखा हुआ लास्ट उपसंहार में अपना राय दे सकते हैं, किसके सरकार की क्या राय है, आपकी क्या राय है, ये आप उपसंहार में लिख सकते हैं, ये चाहे तो यही सेम टू सेम लिख सकते हैं, चाहे अपने बना के लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये जो चीज़ है पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और नहीं समझ तो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब चीज़ फ्री में होता है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए कर दीजिए।